हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर इज अ क्यू इज अ सेम इंटीजर्स। क्या है कि जो हमारे पास 1, 6q+3 और 6q+5 ये क्या हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं, ये आपको शो करके बताना है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसमें देखेंगे। लेट्स हम ए को सपोज कर रहे हैं, ए बी एनी। ए क्या होगा, एनी पॉजिटिव जो कि है इंटीजर्स होगा एंड बी इक्वल्स टू 6 होगा। अब बी हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यूक्लिड मैथड में यहाँ पर जो डिवाइडेशन दिया हुआ है सब पे क्या दिया हुआ है, क्यू के साथ 6 दिया हुआ है। का जो बी है वो सपोज कर रहे हैं वो है 6 है। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मींस इसको हम डिविडेंट ए सपोज करते हैं, डिवाइजर हमारा बी होता है, क्वोशेंट क्यू प्लस आर रिमाइंडर। देखो हमारे पास यही चीज़ आई, क्यू आर, अगर बी 6 पोज करते हैं 6q+r(1), तो हमारे पास क्या पॉजिटिव है कि हमारे पास जो हम आर है, आर क्या है, एक रिमाइंडर की तरह, रिमाइंडर वेयर इज आर जो है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन आर छोटा होता है बी से, मतलब कि जो उसका डिवाइजर से वो छोटा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से पॉसिबल वैल्यू की जो हम पुट कर सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू जो होंगी 6 से छोटी वाली लेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3। सो लेट्स, पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल है कि जो आर की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। क्यों होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमारे पास जो यूक्लिड बी जो दिया हुआ है वो 6 है, तो हम इसलिए जो आर की वैल्यूएशन लेंगे वो 6 से पहले वाली लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो वेन इज़ अ आर इक्वल्स टू 0, अगर आर की वैल्यूएशन 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 पुट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, देखो पुट किस में करनी है, आपको नहीं समझ आता तो आप इसे इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यूएशन है 6, क्यू इज क्यू और प्लस आर रिमाइंडर जो आपने 0 फिल किया, तो आपके पास ये क्या आएगा, और देखो 6 में 0 प्लस करते हैं तो आंसर बिकम 6, तो हमारे पास ये आएगा इवन नंबर में। तो उसी तरह से अगर आर की वैल्यूएशन 1 पुट करी जाती है, किसमें, वही इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यूएशन क्यू 6q प्लस आर क्या भरेंगे 1, 6 प्लस, देखो अगर हम 6 का टेबल लिखते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 1 6, 6 में अगर 1 प्लस करते हैं, 0 प्लस करते हैं, 6 में मैंने 0 प्लस किया तो आंसर 6, 6 क्या था हमारा, इवन नंबर आता, 6 में 1 प्लस करूँगी तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर बिकम 7, तो 7 क्या होगा हमारा, ओड नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ओड नंबर। अगर r की वैल्यूएशन 2 फिल करते हैं क्वेश्चन 2 में, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्या है हमारा 6, 6q प्लस आर क्या है 2, तो 6 प्लस 2, देखो इसमें अगर 12 में 2 प्लस करते हो आंसर बिकम्स अ 14, 14 इज अ इवन नंबर। ठीक है, समझ आया कैसे इवन नंबर हुआ। अगर आर की वैल्यूएशन 3 फिल करते हैं तो क्वेश्चन 1 में ही, यहाँ भी 1 नहीं आना था, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ए बी क्या है हमारे पास 6, 6q+3, अगर 18 में 3 प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 21। ठीक है, 21 क्या है हमारे पास, ओड नंबर। ठीक है, इसी तरह से r की वैल्यूएशन अगर 4 फिल करते हैं इक्वेशन 1 में,
ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्या है हमारा 6, 6 क्यू प्लस 4, 6 देखो 24 में अगर 4 प्लस करते हैं तो आंसर बिकम्स 28, 8 28 क्या आएगा हमारे पास इवन नंबर। इसी तरह से आर की वैल्यूएशन अगर 5 फिल कर, आर इक्वल्स टू 5 फिल करते हैं तो क्वेश्चन 1 में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू, बी क्या है हमारे पास 6, 6 क्यू प्लस 5, अगर 30 में 5 प्लस करते हैं तो बिकम्स 35, 35 क्या है हमारे पास ओड। तो देखो जब इन्होंने बोला था 6 क्यू प्लस 1 जो होगा वो ओड होगा, 6 क्यू प्लस 3 जो होगा वो भी ओड होगा, 6 प्लस 5 जो होगा वो भी ओड होगा, तो ये हमारे सारे तीनों ओड आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनहेंस में हम ये लिख सकते हैं, इनहेंस प्रूफ में, कि एनी पॉजिटिव ओड इंग्रेडिएंट्स इज 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, इनहेंस प्रूफ, ठीक है। आई थिंक आपको अगर आपको उतारना हो तो आप इसे उतार भी सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से शो कर देती हूँ। तो इसके सेकंड सम के लिए आप इसे नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो डलें और आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।